भोपाल के बीच में काफी शानदार में एक मुकाबला चलता हो दोस्तों, आरसीसी भोपाल की ओर से। प्रदेश कबड्डी का जिनकी वार न जाए खाली, ये है मनोज पाली, देखना होगा मूल नाम मनोज पंडोई, बुराई करा जहां से निवास करते हैं, लंबे समय से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व बनाने एक पॉइंट लेकर आए मनोज पाली। अभी हाल ही में बड़नगर में एक मुकाबले में लाइव कमेंट्री कर रहा था मैं, एक रेट में 5 पॉइंट ला करके मुकाबले की दिशा बदल दी थी मनोज पाली ने, देखना होगा इस समय जबरदस्त मुकाबला, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ क्या वही खेल की चमक बरकरार रख पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी मनोज के लिए। फिलहाल पॉइंट आता हुआ इस समय 2 पॉइंट पे इस समय बात करें आरसीसी, 3-1 का स्कोर है, 3 पॉइंट पे बात करें विजयपुर और 1 पॉइंट पे आरसीसी इस समय। बिजलपुर वर्सेस आरसीसी भोपाल के बीच में काफी शानदार मैच चलता हुआ दोस्तों। मेरा नाम है मुकेश और कई बड़े शहरों में, लेकिन डिफेंस के समय बिजलपुर का कहारता हुआ, क्या शानदार अंदाज में इस समय 4-1 का स्कोर, देखना होगा इस समय ब्रेक की कमान बिजलपुर की तरफ से। आज साक्षी बन रहा है यह बेहतरीन मैदान, बात करें निर्मल क्लब और कटारे फिल्म स्टेशन की संयुक्त साझेदारी में ये कारवा खेल का है। 7 नंबर की जर्सी में फिलहाल इस समय रेड आई आरसीसी की, जबरदस्त मुकाबला कुशल ब्रेड की कमान लेकर के युवा उद्यमान खिलाड़ी इस समय ब्रेड की शुरुआत लखनऊ हो सकी है। देवास क्षेत्र जो कि कृषि क्षेत्र में अग्रणी रहा है और अपनी खेल प्रतिभाओं में भी एक बड़ा नाम मध्य प्रदेश में, और आपको बता दें जो मैदान साक्षी बन रहा है, बड़ी मेहनत की हमारे आयोजन समिति ने, रामचरण पटेल साहब अपने समय के कबड्डी के दिग्गज खिलाड़ी, उनकी कोशिशें और निर्मल क्लब पाल नगर की ये क्या शानदार इस समय मेजबानी। 4 पॉइंट पे इस समय बिजलपुर और 1 पॉइंट पे भोपाल। 6 नंबर की जर्सी में दीपक चंद्रवंशी आए हैं रेड की कमान लेकर के, नाम दीपक है, क्या खेल की चमक बिखेर पाएंगे इस समय, बड़ा मुकाबला दीपक आरसीसी के लिए। ये 2-2 रेड है, क्या कहने, बिजली की मानिंद गति है इस समय, नवीन गोयत की याद दिलाते हुए एक और 2-2 आरसीसी की, इस बार दोनों टीमें 2-2 पे खेलती हुई, आरसीसी की रेड की कमान 7 नंबर की जर्सी में लेकर के 5-1 के स्कोर इस समय। कुशल हेरेट के बेहतरीन एंकल होल्ड, सामने से ब्लॉक किया जबरदस्त अंदाज में बिजलपुर ने, 6-1 के स्कोर, बिजलपुर के 6 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी की क्या खूबसूरत है बिजलपुर की तरफ से, बिजलपुर 6 पे भोपाल आरसीसी 1 पे, जबरदस्त मुकाबला, सुपर टैकल ऑन है इस समय, आखिरी एंड लाइन तक धकेलते हुए क्या शानदार कबड्डी की दावत, मेजबानी अगुवाई आतिथ्य है मालवा क्षेत्र की, मेजबानी कर रहा है पाल नगर का खूबसूरत मिनी स्टेडियम। अब बहुत हमारी कटारे फिल्म स्टेशन और तमाम हमारे सहयोगियों का एक बार फिर से 110 नंबर की जर्सी में आवेश आए हैं समय रेट पे, एक आवेश अभी आईपीएल में धूम मचा रहे हैं इंदौर से, ये आवेश कबड्डी के कोर्ट पे है, देखना होगा इस समय बेहतरीन खेल की झलक। 6 नंबर की जर्सी में रेड आई है बिजलपुर की, सुपर टैकल ऑन है, देखना होगा सुपर टैकल में क्या रणनीति रहती है, एक तरफ देवेंद्र है लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर चेन में 3 नंबर की जर्सी के साथ भोपाल के लिए लोकेश है राइट कॉर्नर पे, और क्या शानदार लोकेश के डबल थाई होल्ड, अभी भी स्ट्रगल जारी है, कहते हैं कि जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। 3 पॉइंट पे आरसीसी, 6 पॉइंट पे समय बिजनपुर, अभी तो अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है। 110 नंबर में आवेश रेट की कमान लेके के युवा खिलाड़ी समय डिफेंस फिलहाल 6 का है, आवेश समय देखना होगा, 6-3 का स्कोर, बेहतरीन एंकल होल्ड,
लाजवाब अंदाज में सात नंबर की जर्सी के खिलाड़ी ने खूबसूरत एंकल होल्ड किया। देखने लायक इस समय जबरदस्त मुकाबला। सात पॉइंट पे इस समय बीजनपुर, तीन पॉइंट पे आरसीसी भोपाल। मनोज पानी कोर्ट से बाहर है, कितनी देर जल्दी उन्हें रिवाइव करके अंदर लेकर आते हैं, यह भी कड़ी चुनौती रहेगी। इस समय देखना होगा रेड बीजनपुर के लिए लेफ्ट राइडर इस समय बैक किक की कोशिश। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ। टाइम आउट बालनगर साक्षी बन रहा है भारतीय मिट्टी के खेल कबड्डी का। देखना होगा इस समय लोकेश तेरे पे, लेकिन रेड की सिर्फ औपचारिकताओं को पूरी की। सुपर टैकल ऑन है, देखना होगा रेड की कमान लेकर के विजयपुर के लिए। इस समय जबरदस्त मुकाबला सुपर टैकल में, एक तरफ देवेंद्र ऑफिस होगा, संतोष जाट है लेफ्ट कॉर्नर पे, और दो नंबर की जैसे के खिलाड़ी इस समय लगातार जितेंद्र चौधरी है राइट कॉर्नर पे। जबरदस्त मुकाबले की झलक, बड़े बुजुर्ग आए हैं मैच देखने। वाकई में कबड्डी की कितने शिद्दत, इतने मेहता और दीवानगी। फिलहाल इस समय थर्ड ग्रेड आती हुई डू और डाई, आगे कुआं पीछे खाई, ये है डू और डाई। सुपर टैकल ऑन है, निगाहें रखना हमारे पालनगर वालों, इस रेड में कुछ ना कुछ होगा। देखना होगा इस समय एंड लाइन तक धकेलते हुए दो नंबर के जर्सी के खिलाड़ी को, जितेंद्र चौधरी है इस समय राइट कॉर्नर पे। क्या शानदार इस समय सामने से आकर के ब्लॉक किया, सुपर टैकल, बेहतरीन सुपर टैकल इस समय। एक और थर्ड रेड में मनोज वाली, कहते हैं जिनकी वार न जाए खाली, जय है मनोज वाली। देखना होगा इस समय रेड की कमान लेकर के मनोज वाली बोनस की कोशिश। ओ हो हो हो, हाथ को आया मुंह में लगा, क्या शानदार टैकल, जबरदस्त अंदाज में इस बार बिजनपुर के लिए। बिजलपुर वर्सेस आरसीसी भोपाल के बीच में चलता हूं दोस्तों, बाहर जाना होगा इस समय। जबरदस्त मुकाबला, आठ पॉइंट पे बिजलपुर, तीन पॉइंट पे आरसीसी भोपाल। क्या शानदार मैच देखने को मिलता हुआ, सुपर टैकल ऑन, देखना होगा इस समय सुपर टैकल में। एक तरफ दो नंबर के जर्सी के खिलाड़ी, देखना होगा इस समय क्या वापसी हो पाएगी। लीड जो देखे 8-5 का स्कोर है, फासला 3 पॉइंट का। लोकेश रेड की कमान लेकर के आज सीसी के लिए, सुबह से दोपहर तक का ये रोमांच का सिलसिला जारी है। शाम 5:30 पे हम आपसे पुनः क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, आज इतिहास रचेगा आपका पालनगर सुपर टैकल में। देखना होगा इस समय शानदार मुकाबला, 777 में संतोष जाट है लेफ्ट कॉर्नर पे, दो नंबर की जर्सी दूसरी तरफ। देखना होगा जितेंद्र चौधरी इस समय राइट कॉर्नर पे, और अब तीन नंबर की जर्सी में रेड की कमान लेकर आए हैं लोकेश आरसीसी भोपाल के लिए। देखना होगा इस समय थर्ड रेड टू और ढाई रेड में इस समय बिजनपुर के लिए। निगाहें रखिए हमारे वाल्मीकि वालों, क्या खूबसूरत मेजबानी कबड्डी की। तो हो क्या कहने, नाम है जितेंद्र चौधरी, खूबसूरत है इस समय सामने से आकर के। आरसीसी भोपाल की ओर से दोस्तों जर्सी नंबर 6-8-7 नाम है दीपक चंद्रवंशी, थर्ड ग्रेड लेकर आए हैं इस समय भोपाल के लिए। नाम है दीपक चंद्रवंशी इस समय रेड पे। देखना होगा दीपक चंद्रवंशी की क्या रणनीति डू और डाई में। जबरदस्त मुकाबला, बोनस मिला है, बोनस चाहे सैलरी का आपका खेल जा रही इस समय। देखना होगा चार का डिफेंस एक तरफ इस समय बात करें, संतोष जाट लेफ्ट कॉर्नर पे 777 नंबर की जर्सी में, दूसरी तरफ जितेंद्र चौधरी राइट कॉर्नर पे, दोनों ही चेन में। देखना होगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बात करें। आरसीसी भोपाल वर्सेस बिजलपुर के बीच में मैं चलता हुआ, तो पहले हाफ की कहानी दोनों की बराबरी पे 8-8 पॉइंट्स के साथ, दूसरे हाफ में कोर्ट बदलेगा, क्या तस्वीर बदल पाएगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
द लाइव स्कोरिंग जो टीम पहुंचा रही है स्क्रीन पे, जीवन भाई पटेल, निर्मल जी पटेल, इनका भी हम बहुत हार्दिक अभिवादन। शानदार मुकाबला इस समय सेकेंड हाफ की शुरुआत होती हुई। वन पॉइंट आरसीसी भोपाल। दीपक चंद्रवंशी ने एक पॉइंट क्या खूबसूरती से अर्जित किया इस समय। अब लीड में आरसीसी भोपाल, 9 पे आरसीसी, 8 पॉइंट पे। दूसरी तरफ बात करें बिजलपुर, 8-9 का स्कोर, क्या काटे की टक्कर। बिजलपुर की रेट इस समय देखना होगा। शानदार मुकाबला जारी है इस समय और अब 6 नंबर की जर्सी में रेट की कमान लेकर आए हैं भोपाल आरसीसी के लिए दीपक चंद्रवंशी। 5 का डिफेंस, 2-2 की 2 चेन, लेफ्ट कोनर राइट कोनर चेन में खिलाड़ी सेंटर में लगातार सफलिंग जारी इस समय। बहुत ही शानदार मेजबानी इस समय कबड्डी की, यही खूबसूरती है इस आयोजन की जो अन्य आयोजनों से इतर अनूठा द्वितीय स्वरूप। देखना होगा इस समय रेड की कमान एक नंबर की जर्सी में, 9-8 के स्कोर आरसीसी 9 पे, 8 पॉइंट पे। दूसरी तरफ पे इस समय बिजलपुर हमारे अनुभवी ऑफिशियल पैनल सम्माननीय शानू यादव साहब उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कबड्डी, सम्माननीय घनश्याम जी जाट साहब बहुत ही अनुभवी निर्णायक, उमेश जी साथ में, सिद्धन किशोर जी धाकर जो तेलंगाना टीम गई थी हमारे मध्य प्रदेश की नेशनल में जूनियर में उस टीम के मैनेजर, साथ में भागीरथ जीजरिया और इस आयोजन में अपनी अहम भूमिका। फिलहाल थर्ड ग्रेड इसी बीच देखना होगा इस समय क्या जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ। 9-8 का स्कोर, सेकेंड हाफ का खेल, 1 पॉइंट के लीड में है सिर्फ आरसीसी। बेहतरीन डबल एंकल होल्ड, सामने से ब्लॉक किया खूबसूरती से संतोष जाट ने। एक और डू अ डाई रेट इस समय आ गई है, 7 नंबर की जर्सी में डू अ डाई रेट की कमान लेकर आए हैं कुशल, नाम कुशल है, क्या नाम के अनुरूप प्रदर्शन देखने को मिलेगा डू अ डाई में। दोनों टीमें डू अ डाई में खेल रही है थर्ड रेट पे। हो क्या शानदार प्रयत्न कर दिया कमाल इस समय लाजवाब। और जब भी लीड बड़ी हो जाए, टीम मुश्किल में हो और टीम अच्छी स्थिति में हो, तब मनोज बाली नजर आएंगे। देखना होगा अनुभवी खिलाड़ी लंबे समय से मध्य प्रदेश के लिए कई मर्तबा इस बार चेन टैकल, क्या कोई खिलाड़ी सेल्फ आउट हुए हैं। फिलहाल ईच 1 पॉइंट इस समय। स्कोर इस समय क्या जबरदस्त मुकाबला, बिजलपुर 9 पे, आरसीसी 18 पे, फासला 9 पॉइंट का बड़ी लीड में और प्री क्वार्टर फाइनल है, क्वार्टर फाइनल में दस्तक देगी टीम अगर यहां से जीतती है तो। जबरदस्त ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, 6 नंबर की जर्सी में दीपक चंद्रवंशी रेड की कमान लेकर के आरसीसी की तरफ से। देखना होगा इस समय दीपक चंद्रवंशी की क्या रणनीति रहती है। हम बहुत आभारी हमारे आयोजन में रामचरण पटेल साहब जिन्होंने कबड्डी की इस मालवा की विरासत को इस क्षेत्र में जिंदा रखा है और उनकी पूरी टीम, राजेश जी, विष्णु प्रसाद जी वर्मा, संरक्षक इस आयोजन के,
साथ ही साथ माखनलाल जी मुकाती वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विक्रम जी पटेल, रमेश जी कामदार, राजेश जी मुकाती और तमाम व्यक्तित्वों का एक और शानदार जबरदस्त मुकाबला। आरसीसी बड़ी लीड में 20-9, 11 पॉइंट की बड़ी लीड और आखिरी लम्हों में अब मनोज बाली अपने टीम की सेना के साथ इस समय टीम को जीत दिलाने की ओर अग्रसर। आरसीसी भोपाल के 20 पॉइंट है दोस्तों, बिजलपुर के 9 पॉइंट और हमारे देवास कॉर्पोरेशन के सचिव और खेलों के लिए बहुत ही समर्पित आदरणीय राजेंद्र भाई साहब का भी हम बहुत हृदय से अभिवादन करते हैं। देवास कॉर्पोरेशन के सचिव सम्माननीय राजेंद्र जी भी मुख्य मंच में उपस्थित हैं और फिलहाल देखना होगा 110 नंबर की जर्सी में आवेश रेड की कमान लेके गए। देवास कॉर्पोरेशन ने हाल ही में स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप में बहुत शानदार मुकाबला आखिरी 4 मिनट का खेल शेष है, देखना होगा चाहे क्या इन 4 मिनट के लंबे जमीन पे बैठ कर क्या आसमान देखता है, देखना होगा इस समय जीत की तरह भोपाल की टीम 22-12 के स्कोर 10 पॉइंट की बड़ी लीड इस समय। बिजलपुर क्या डगमगाती नैया को कोई भी यहां से तरुणहार मिल पाएगा इस समय। मनोज बाली लगातार मध्य प्रदेश के लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व और पिछला जो अयोध्या में भी हुआ था जो नेशनल उसमें भी मध्य प्रदेश टीम के हिस्सा थे, देखना होगा इस समय आखिरी 2 मिनट का खेल शेष और न सिर्फ भारत की सरहद बल्कि नेपाल और अन्य देशों में भी अपने प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं, देखना होगा इस समय बेहतरीन मुकाबला। 5 का डिफेंस बिजलपुर के बहुत ही युवा उद्यमान खिलाड़ी रेड की कमान लेकर के इस बार आक्रामक संतोष जाट, अगर सपोर्ट मिलता तो शायद ये टैकल हो सकता था लेकिन तारीफ करनी होगी, जानते हैं एक दूसरे के साथ बहुत खेलना है युवा खिलाड़ी के हौसलों को थोड़ा सा इस समय। सेकेंड हाफ का क्षण आखिरी 2 मिनट से कम का वक्त बाकी है, देखना होगा इस समय बड़ा फासला जाते जाते कुशल ने एक बार फिर से अपनी कुशलता का परिचय दिया, 2 पॉइंट लेकर आए अपना सुपर 10 पूरा कर चुके कुशल, 1 रेड में 6 पॉइंट लेकर आए थे। आरसीसी भोपाल के 24 पॉइंट दोस्तों, बिजलपुर के 13 पॉइंट, बिजलपुर के 13 पॉइंट, आरसीसी भोपाल के 24 पॉइंट, बड़ी काफी शानदार और रोमांचक मैच चलता हुआ यहां पे जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ इस समय। मनोज बाली मानो खुद के मानो इस समय वक्त जितना हो सके इस समय जाया करते हुए क्वार्टर फाइनल की तरफ टीम लगभग पहुंचने के नजदीक है। 24-13 का स्कोर मुख्य मंच में तमाम गणमान्य व्यक्तित्व इस आयोजन से जुड़े हुए निर्मल क्लब के बधाई के पात्र राजेश जी अध्यक्ष, आयोजन के संयोजक बहादुर जी मुकाती, विष्णु प्रसाद जी वर्मा, आयोजन के हमारे इस बेहतरीन नेतृत्व रामचरण पटेल साहब और पूरी टीम फिलहाल जय मक